तुरैया कसब विकास समिति ने प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर दयाल तुरैया के नेतृत्व में एक पत्र जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा, जिसमें उन्होंने मांग की कि जनपद शामली थाना कांधला में छात्रा सोनी कश्यप हत्याकांड की CBI या न्यायिक जांच कराई जाए तथा परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजे में दिए जाए, वही हत्यारों को फांसी की सजा दिलाई जाए। उनका कहना था कि शामली जनपद थाना कांधला के अंतर्गत ग्राम श्यामगढ़ में 13 दिसंबर को सैकड़ों छात्राओं के साथ स्कूल से लौट रही सोनी कश्यप की काट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इससे पूर्व भी हत्यारों ने कई बार छात्रा के साथ छेड़खानी की कोशिश की थी, जिसमें पुलिस व दबंग नेताओं ने जबरदस्ती फैसला करा दिया था, और यदि तभी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई होती तो छात्रा के साथ यह हादसा न होता। तुरैया कसब विकास समिति उत्तर प्रदेश का कहना है कि हत्याकांड की CBI जांच कराई जाए, परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजे व हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। तो वहीं प्रदर्शन करने वालों में मोहनलाल कश्यप, प्रदीप चौहान, अभिनव कश्यप, डॉक्टर रामेश्वर दयाल, प्रेम कुमार निषाद, राहुल महिपाल तुरैया, राजीव कश्यप, सुनील कुमार, उमेश तुरैया, रमेश चंद कश्यप, राजेंद्र सिंह, जीतू तुरैया, ओम प्रकाश, रविशंकर, विजयपाल, राहुल सक्सेना आदि भारी संख्या में तुरैया कश्यप विकास समिति के कार्यकर्ता व पदाधिकारी कर मौजूद रहे। सोनी कश्यप की हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, सोनी कश्यप की हत्यारों को अत्याचार बंद करो, ऐसी सरकार को बर्खास्त करो, सोनी कश्यप की हत्यारों को फांसी दो, सोनी कश्यप की हत्यारों को की मांगों को लेकर आज प्रदेश के पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में जनपद शामली के अंतर्गत ग्राम कांधला में सोनी की हुई हत्या की सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि विगत दिनों सोनी कश्यप की स्कूल से लौट रही सैकड़ों छात्राओं के साथ में हत्या कर दी गई। वहाँ के पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, इससे पहले भी उसके साथ छेड़खानी की गई थी लेकिन पुलिस प्रशासन ने दबाव बनाकर फैसला करा दिया था। अगर पुलिस प्रशासन पहले से ही कार्रवाई करता तो सोनी कश्यप आज जिंदा होती। अतः शिवसेना तुरैया कश्यप विकास समिति के पदाधिकारी मांग करते हैं कि उसकी हत्या की CBI जाँच हो, न्यायिक जाँच हो और उसके हत्यारों को फांसी दी। पब्लिक TV आपकी आवाज़।